अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो ये वीडियो है, ये हमारा एक नया टॉपिक, हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है इंटरनेशनल बिजनेस के सब्जेक्ट में। और जो हम लोग इसमें, जो हमारी रिकमेंडेड बुक है, उधर से हम लोगों ने इसमें काम किया है, उसकी तरफ हम लोग आते हैं। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा 3 वीडियो में चलेगा एंट्री स्ट्रेटेजी के हवाले से। एंट्री स्ट्रेटेजी क्यों, किस चीज की एंट्री स्ट्रेटेजी? क्लास, जब हमारा एक बिजनेस है जो लोकल लेवल पे काम कर रहा है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहेगा, वो ग्लोबली वर्क करना चाहेगा, ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल बिजनेस में एंट्री लेना चाहेगा, तो उसे कौन से मराइल से गुजरना पड़ेगा और उन मराइल पे क्या डिसीजन मेकिंग है जो उसे करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है, उसका जो थीम है वो आप लोगों को बता दिया है। अब हम अपने काम की तरफ मूव करते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं। तो पहले जो फर्म को डिसीजन करने पड़ेंगे, ऐसी फर्म जो लोकल लेवल पे काम कर रही है, वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर जा रही है, तो उसे इन चीजों से वास्ता पड़ेगा। नंबर एक, विच मार्केट टू एंटर। देखिए, बहुत सारी उसके पास मार्केट्स हैं, बहुत सारी दुनिया के कंट्रीज उसके सामने, बहुत सारी दुनिया की इकोनॉमीज उसके सामने, उसे किस इकोनॉमी में, किस मुल्क में, किस मार्केट में एंट्री लेनी है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। जारी बात है कि एकदम से तो पूरी दुनिया में के ममालिक में एंट्री तो नहीं ली जा सकती, स्लोली काम उसमें किया जाता है। और उसमें जो है, उसने बिजनेस ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख कर काम करना है कि उसके पास कैपिटल कितने हैं, उसके पास ह्यूमन पावर कितनी है, उसके हिसाब से वो एक मार्केट में एंट्री लेनी है, दो में लेनी है और कौन सी में लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसमें डिसीजन होते हैं, किस लेवल पे एंट्री लेनी है। किस लेवल का मतलब क्या है कि देखें, हम कहते हैं जी कि कोई कंपनी पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करना चाह रही है, वो सरमायाकारी के इनिशियली जो आएगी और करेगी पूरे पाकिस्तान में एकदम से अपनी सारी सरमायाकारी डाल देगी, या वो ये करेगी कि जो है स्केल वाइज चलेगी, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल की तरफ। शुरू वाले पहले फेज में जो है वो जो बड़े शहरों में, तमाम प्रोविंसेस के बड़े शहरों में, पिशावर में, क्वेटा में, कराची में, लाहौर में, इस तरीके से जो बड़े शहरों में वहाँ पे। दूसरे फेज में फिर उनके जो उससे छोटे शहर जो होते, बड़ों से छोटे उनमें, फिर अगले स्टेज पे फिर जो है टाउन, कस्बा, इसमें, और फिर आखिर में जो है वो छोटे, बिल्कुल छोटे यूनिट पर जो देहात वगैरह वहाँ पर, ये मुख्तलिफ स्केल है। और फिर दूसरा, कब एंट्री लेनी है उसने। कब एंट्री का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उस मार्केट में कोई मौजूद नहीं है, तो क्या ये फर्म फर्स्ट एंट्रेंस के तौर पे, फर्स्ट मूवर के तौर पे एंट्री ले, या वेट करे, किसी और के एंट्री ले लेने का इंतजार करे, जब वो एंट्री ले ले, उसके एक्सपीरियंस से सीखे, उसकी इन्वेस्टमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको देखे, उसकी प्रोडक्ट की मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी को देखे, उसके हिसाब से फिर अपनी पॉलिसी डिजाइन करते हुए फिर ये फर्म जो है वो एंट्री की तरफ जाए। तो ये है कि फर्स्ट मूवर हो या सबसिक्वेंट मूवर हो, स्केल कौन सा हो, मतलब फेज वाइज में जाए या स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट के थ्रू डाला जाए। स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट मतलब कि तमाम मुल्क में, तमाम इकोनॉमी में एक ही मर्तबा एंट्री ले लेना, और जो स्केल वाइज है और जो फेज वाइज है कि मतलब पहले एक बड़े यूनिट को, फिर उसके बाद यूनिट को, फिर उसके बाद यूनिट को, फिर उसके बाद यूनिट को। उसके अलावा फर्म ने ये भी डिसाइड करना है कि कौन से मोड के थ्रू एंट्री लेनी है। मोड ऑफ एंट्री से मतलब क्या, एक्सपोर्टिंग के जरिए लेनी है कि मतलब के उस इकोनॉमी को, उस कंट्री को जो सर्व करना है एक्सपोर्ट्स के थ्रू करना है, जैसे डेल है, एचपी है, पाकिस्तान की मार्केट को ये एक्सपोर्टिंग के थ्रू सर्व कर रहे हैं। बहुत सारे इदारे जो हैं पूरी दुनिया में अपनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं डालते और वहाँ पे उस इकोनॉमी को भी टारगेट करते हैं, सर्व करते हैं, लेकिन किस तरीके से सर्व करते हैं, जो इनमें से जो मोड्स दिए हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपनी वायबिलिटीज के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन से मोड के तहत, कब और किस स्केल पर, किस मार्केट में एंट्री लेनी है। अब फॉर एग्जाम्पल जो है पेप्सी कोला जो है पाकिस्तान में जो है वो लाइसेंसिंग के थ्रू ऑपरेट हो रही है, ठीक है जी, और उसके अलावा जो है फ्रेंचाइजिंग भी के थ्रू भी ऑपरेट हुआ जाता है। अब जो है फ्रेंचाइजिंग के जो बेहतरीन एग्जांपल पाकिस्तान में केएफसी की, मैकडोनल्ड की है, सबवे की है,
उसके अलावा जो है इससे जो जॉइंट वेंचर के थ्रू भी ऑपरेट हुआ जाता है, जैसे पाकिस्तान में जो अटलस होंडा ग्रुप है, ये जॉइंट वेंचर की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि अटलस जो है वो पाकिस्तान की कंपनी है, शराजी ग्रुप की कंपनी है, और जो होंडा है वो जापानीज कंपनी है। तो दोनों ने उसमें अपना कैपिटल भी इन्वेस्ट किया, दोनों ने अपने स्किल्स भी जो इन्वेस्ट किए, और जो लीडिंग रोल उस मार्केट में दिया वो वहाँ के लोकल जो अटलस वालों को शराजी ग्रुप को दिया, क्योंकि वो इस मार्केट को ज्यादा बेटर जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से और जो नेटवर्किंग के हवाले से। लेकिन जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो इन्वेस्टमेंट की भी कुछ सपोर्ट है, वो जो है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसकी तरफ से है। उसके अलावा एक मोड ऑफ एंट्री ये भी हो सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू उस इकोनॉमी को, उस मुल्क को सर्व करना, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में जो है अल्लाह भला करे यूनिलीवर की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, उस मार्केट में अपना बिजनेस सेटअप बनाना और उसके थ्रू वहां पे सर्व करना, ठीक है जी। और उसके अलावा जो लास्ट है वो है जो किसी एग्जिस्टिंग जो एंटरप्राइज है उसको बाय कर कर फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे पीटीसीएल है, पीटीसीएल को जो है इत्सलात ग्रुप ने एक्वायर किया और एक्वायर करके फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की, और उसके अलावा जो है यूबीएल है इसको भी एक्वायर किया गया फॉरेन ग्रुप की तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट करके, और फिर उसको यहाँ पे खरीद कर फिर अपने उसको जो है रिफाइन किया गया, उसमें डाउन साइजिंग की गई, उसमें फिनटेक लेकर आए, और उसके अलावा जो उसमें नई प्रोडक्ट्स लेकर आए, और उसके हिसाब से फिर आगे जो है उन्होंने अपनी पॉलिसीज को डिजाइन किया। तो अगर आपसे बात की जाए कि ये पूरा जो टॉपिक है जो हमारी 3 वीडियोस में कवर होगा उसका क्रक्स क्या है, उसकी समरी क्या है, तो उसकी समरी ये वाली स्लाइड है जो आपके सामने आ रही है, जिसमें टोटल 2 चीजें आएंगी कि ऐसी ऐसा ऐसा कारोबार जो लोकल लेवल पे ऑलरेडी चल रहा है अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहता है तो उसे कौन से डिसीजन करने पड़ेंगे, नंबर एक ये काम है। नंबर दो ये है कि किस मोड ऑफ एंट्री में से उसने जाना है और उस मोड ऑफ एंट्री के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। टोटल ये 2 बड़े काम हैं जो इसमें होंगे, और अगर 2 बड़े कामों को भी एक भी काम में समो लें तो आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा, आपको इन चीजों का पता ओके हो जाएगा, लग जाएगा। वो कैसे कि वो एक ये चीज है कि एक लोकल लेवल का बिजनेस जब इंटरनेशनल लेवल पे अपने कारोबार को लेकर जाना चाहेगा तो उसको बहुत सारे डिसीजन करने पड़ेंगे, जिसमें से नंबर एक पे डिसीजन होगा कि कौन सी मार्केट में एंट्री लेनी है, कौन सी इकोनॉमी में, कौन से मुल्क में एंट्री लेनी है। दूसरा डिसीजन है कि उसे कब एंट्री लेनी है, फर्स्ट मूवर के तौर पे, सेकंड मूवर के तौर पे। तीसरा उसको जो डिसीजन करना पड़ेगा किस स्केल पे एंट्री लेनी है। चौथा जो डिसीजन करना पड़ेगा कि किस मोड के थ्रू एंट्री लेनी है। तो ये आमतौर पे हम कह सकते हैं कि 4 बड़े डिसीजन हैं जो उसको करने पड़ेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे 3 में दिए गए हैं, जो दूसरे में 2 चीजें हैं। एनीवेज हम लोग अपने नेक्स्ट काम की तरफ मूव करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट किसी तरफ की जाती है या कोई मोड सिलेक्ट किया जाता है कि हमें इस इकोनॉमी को एक्सपोर्टिंग के थ्रू सर्व करना है, लाइसेंसिंग के थ्रू करना है, फ्रेंचाइजिंग के थ्रू करना है, एफडीआई के थ्रू करना है, या फिर बिजनेस एक्वायर करके करना है, किस मोड के थ्रू करना है, इसमें एंट्री लेनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें मैटर करेंगी। नंबर एक, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैसे भला कि अगर हम इस मुल्क में एफडीआई कर दें, यहाँ से अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, तो यहाँ से प्रोड्यूस कर इस प्रोडक्ट को हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो मालिक हैं, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वहां पे इस प्रोडक्ट को लेकर जाना, तो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन वाली जगह के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कितनी ज्यादा इन्वॉल्व होगी। अगर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व होगी तो वहां पर फिर एफडीआई नहीं की जाएगी, उस मुल्क में प्रोडक्शन नहीं की जाएगी, उस मार्केट को छोड़ा भी नहीं जाएगा। ये नहीं कि उसमें एफडीआई नहीं करेंगे तो उसको छोड़ेंगे नहीं, तो उसको वह है वो छोड़ देंगे, नो छोड़ेंगे नहीं, उसमें उस मार्केट को टारगेट किया जाएगा। जैसे लेट से हम कहते हैं जी कि जो है पाकिस्तान जो है इसमें डेल और एचपी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, मार्केट को छोड़ दिया क्योंकि इधर एफडीआई नहीं की, नो नो नो, उसको सर्व तो कर रहे एक्सपोर्टिंग के थ्रू, कर रहे किसी और मोड के थ्रू वो सर्व करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैटर करती है कि अगर वहां पे प्रोडक्शन प्लांट लगाए तो वहां से दूसरे ममालिक में जहाँ पे प्रोडक्ट देनी है वहां तक ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या, अगर ज्यादा होगी तो उस मुल्क में एफडीआई नहीं होगी, उसे किसी और तरीके से सर्व किया जाएगा। उसके अलावा ट्रेड बैरियर्स, कि अगर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें, तो वहां पे टैरिफ और नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स जो है वो कितने ज्यादा हैं और उससे हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा। उससे ये तो नहीं हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी,
हम मार्केट में कंपैटिबल ही नहीं रहेंगे, तो ये भी क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो ऐसे 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 ममालिक जो अपने मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और उसके थ्रू जो प्रोडक्शन हो उस पे ट्रेड बैरियर्स जो है वो बहुत ज्यादा लोअर लेवल पे ले आते हैं, कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं दोनों तरह के ट्रेड बैरियर, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर हो, दोनों तरह के बैरियर्स को वो बहुत ज्यादा रिड्यूस लेवल तक ले आते हैं। पॉलिटिकल रिस्क को देखा जाता है कि यहाँ पे जो है हर दो साल बाद गवर्नमेंट चेंज तो नहीं होती रहती, कोई गवर्नमेंट को जो है वो स्नब करके कोई और ग्रुप तो इख्तदार में नहीं आ जाता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इस मुल्क में, जो पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बनती है, जो डेमोक्रेसी होती है वो अपने टेन्योर पूरा करती है, तो ये भी इसमें रिस्क होता है। जिन ममालिक में ये रिस्क ज्यादा होता है इन्वेस्टर वहां पर जो है बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, वहां पर इस तरह के मुल्क को किसी और वे के थ्रू उस मार्केट को सर्व कर लिया जाता है, किसी और मोड के थ्रू सर्व कर लिया जाता है। उसके अलावा इकोनॉमिक रिस्क है। इकोनॉमिक रिस्क का मतलब है कि इस कंट्री का जो है जो इन्फ्लेशन की क्या पोजीशन है, इन्फ्लेशन रेट की, इसके एक्सचेंज रेट के क्या इश्यूज है, इंटरेस्ट रेट क्या है इस मुल्क का, क्योंकि इंटरेस्ट जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन जो है वहां पे आपकी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म आपकी प्रोडक्ट प्राइस है उसको डायरेक्टली हिट करता है। उसके अलावा जो इस कंट्री के अंदर जो है सेक्टोरियल जो रिस्क हैं वो क्या है, इस कंट्री के जो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हैं वो क्या है, वो सारे रिस्क को देखकर देखा जाता है, किया जाता है। अगर उस कंट्री के अंदर ये रिस्क मौजूद है तो उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जो है उससे अवॉइड किया जाता है, दूसरे मोड को सिलेक्ट किया जाता है हमारे पास। और उसके अलावा जो उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, देखें जिस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, अगर वहीं से रॉ मटेरियल खरीदना है तो वहां पर रॉ मटेरियल जो उनको महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा उसके हिसाब से डिसीजन होगा कि जो उनकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट्स हैं वो ज्यादा तो नहीं हो रही, अगर ज्यादा हो रही है तो फिर जो है उस जगह पर वो कारोबार जो है वो नहीं स्टार्ट करेंगे, किसी और जगह ले जाएंगे और उस मार्केट को किसी और मोड के थ्रू, एक्सपोर्टिंग के थ्रू या फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग के थ्रू या जॉइंट वेंचर के थ्रू सर्व कर लेंगे। वेल उसके बाद फर्म स्ट्रेटेजी, फर्म की अपनी स्ट्रेटेजी भी होती है। देखें बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कहती हैं जी कि हम कस्टमर को बिल्कुल आखिरी एंड लेवल तक, यानी कि हम फाइनल कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, उस तक भी हम पहुंचना चाह रहे हैं और उस तक भी पहुंचते हुए हम अपना जो है बिजनेस में डोमिनेंसी और कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। जैसे KFC है, पूरी दुनिया में अपने कस्टमर तक क्लोज तक पहुंची हुई है और हर जो उनकी फ्रेंचाइजी जो होती है वहां पर उनकी मॉनिटरिंग जो है वो इंटरनेशनल KFC कर रहा होता है, चीजों को देख रहा होता है, टेस्ट को मॉनिटर कर रहा होता है। तो ये फर्म की स्ट्रेटेजी है कि मेरे बिल्कुल लोअर लेवल तक, कंज्यूमर तक मेरी प्रोडक्ट का जो टेस्ट है वो इंश्योर हो, उसकी क्वालिटी इंश्योर हो। बाज फर्म ये नहीं चाहती, बाज फर्म कहती जी नहीं हम इतने माइन्यूट लेवल तक जाके मैनेजमेंट को नहीं करना, हमारे पास इतनी ह्यूमन पावर नहीं है, हम जो है वो सिर्फ जो है वो कंट्री लेवल पे जो है वो मैनेज कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल आउटलेट लेवल तक जाके सर्व नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में फिर उनके पास दूसरी ऑप्शन जो आ जाती है वो लाइसेंसिंग के फॉर्म में आ जाती है। और इसके अलावा बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कहती है नहीं जी हम सभी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके जो आगे चलेंगे, चाहे इसमें जितना मर्जी सरमाया लग जाए, मुझे ज्यादा सरमाए वाली फर्म्स का बिहेवियर होता है, लेकिन ये बिहेवियर सभी फर्म्स का नहीं हो सकता होता, क्योंकि हर फर्म के जो रिसोर्सेज है वो कम होते हैं। अब इस तरह की जो फर्म होती हैं वो सिलेक्ट करती हैं कि जिनके पास जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन जो है लिमिटेड होती है, कि हमें इन दो मुल्कों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्टिंग के थ्रू सर्व करना है, तो ये फर्म स्ट्रेटेजी होती है। और उसके अलावा एक और भी चीज है, अगर एक फर्म को एक मुल्क के हिसाब से कोई मोड फिट बैठता है तो हम कहेंगे जी कि सभी फर्म्स के लिए ये मोड ऑफ एंट्री से ठीक होगा। नो, हर फर्म के जो सिनेरियो है, हर फर्म की पोजीशन है, हर फर्म के डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं, उसके हिसाब से जो डिफरेंट होगा। अगर एक फर्म के लिए सेंस बन रही है जो है एक्सपोर्टिंग के थ्रू एक कंट्री में एंट्री लेने की, तो हो सकता है दूसरी फर्म के लिए ये एक्सपोर्टिंग के थ्रू सेंस ना बन रही हो, तो इस चीज को जरा मद्देनजर रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सी मार्केट को सर्व करना चाहिए, कौन सी मार्केट को सर्व नहीं करना चाहिए। बड़ा क्लियर आंसर है, ऐसी मार्केट जो हमारे लिए फेवरेबल उनको सर्व करना चाहिए और ऐसी मार्केट जो अनफेवरेबल है, अनडिजायरेबल, उनको सर्व नहीं करना चाहिए। फेवरेबल मार्केट्स कौन सी होती हैं,
जो पॉलिटिकल स्टेबल हो, जैसे अभी से पहले बात हुई है, ऐसी मार्केट जिसमें फ्री मार्केट सिस्टम हो, जिसमें जिसमें मोनोपोली ना हो, जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो, जिसमें ग्रुप्स कंट्रोल ना हो, जिसमें बिजनेस जो है वो फ्रीली ऑपरेट हो सकता हो, ऐसी मार्केट डिजायरेबल है, फेवरेबल है, जहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट के हवाले से कस्टमर का जो रिस्पॉन्स है वो बेटर है, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट ना बढ़े, आपके बिजनेस को डायरेक्टली जो है वो हिट ना हो, जिसके जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर डेट है उसकी कंपोजिशन कम हो, इक्विटी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, ये इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि ताकि उस मुल्क में ज्यादा जो है लोग अपना पर्सनल कैपिटल लगा के भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये इस चीज की रिफ्लेक्शन होती है कि इस मुल्क में जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ये बिजनेस के लिए सुटेबल है, फेवरेबल है। उसके अलावा लेस डिजायरेबल या अनफेवरेबल मार्केट्स कौन सी होती हैं, जो अनस्टेबल होती हैं, जहां पर जो है वो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो प्रिडिक्ट नहीं हो रही थी, बल्कि पता ही नहीं होता कि 6 महीने बाद किसकी गवर्नमेंट होगी, 2 महीने बाद किसकी होगी, ये गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करेगी भी कि नहीं करेगी। और उसके अलावा जो है मिक्स्ड कमांड इकोनॉमीज होती हैं, मतलब जो है वो कहीं जो गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस होती है, कहीं पे कुछ माफिया की इन्फ्लुएंस होती है, कहीं पे कोई थर्ड पार्टी, डिफरेंट पावर सेंटर जहाँ पे हों। उसके अलावा जो है जहाँ पे जो है बॉर्विंग का जो लेवल है, जहाँ पे ज्यादा एक्सेसिव हो, मतलब ये ऊपर वाले में जैसे बात की गई और वही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि ऐसी इकोनॉमीज जहाँ पे लोग अपना पर्सनल कैपिटल कम और बोरोड कैपिटल या बोरोड जो अमाउंट है डेट है उसको प्रिफर करते हैं, वो ज्यादा उस वजह से करते हैं कि उस इकोनॉमी के अंदर उनको रिस्क ज्यादा फील हो रहा होता है, इस वजह से अपना पर्सनल कैपिटल उसमें कम लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। और उसके अलावा जो है कौन सी मार्केट, ऐसी मार्केट होनी चाहिए जहां पर गैप हो, जहां पर बिजनेस गैप हो, उस बिजनेस गैप को आप जाके पूरा करें, ऐसी मार्केट को सिलेक्ट किया जाए। तो बहुत सारी जो फैक्टर्स है इसमें, जरूरी नहीं कि सभी फैक्टर्स एक फर्म के लिए बुरे होते हैं, बाज फर्म जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे कंप्रोमाइज कर लेती है, बाज इस पे नहीं करती, बाज जो है वो फाइनेंशियल फैक्टर जो इसमें आ रहे हैं उस पे कंप्रोमाइज कर लेती हैं, बाज नहीं करती। तो ये फर्म की अपनी स्ट्रेटेजी है जिसके हिसाब से इन चीजों को देखा जाएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम यहीं पे अपने जो है वो क्लोज करते हैं। तो आज जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है उसको एक नजर हम लोग रिपीट कर लेते हैं। हमने जो उसमें काम किया है, 3 तरह का काम किया है। पहले तो हमने ये देखा है कि जो लोकल फर्म है जब ग्लोबल लेवल पे अपने बिजनेस को लेकर जाएगी उसको किन फैसलों से गुजरना पड़ेगा, वो फैसले कौन से हैं, कि कौन सी मार्केट में एंट्री लेनी है और वो एंट्री किस टाइम पे लेनी, फर्स्ट मूवर के तौर पे, सब्सिक्वेंट मूवर के तौर पे, कौन से स्केल पे लेनी है, कौन से मोड के तहत लेनी है। जो मोड है वो हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। और दूसरा जो हमने काम किया है वो ये है कि कौन से मोड के थ्रू एंट्री लेनी है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो फैक्टर्स हमारे पास ये बताए गए हैं। और उसके अलावा कौन सी मार्केट्स डिजायरेबल और कौन सी अनडिजायरेबल है, ऐसी मार्केट्स जिसमें ये फैक्टर हो डिजायरेबल है और ऐसी मार्केट जिसमें ये फैक्टर्स हो अनडिजायरेबल है। तो इस तरीके से हम लोग आज के अपनी इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मेरी तरफ से टेक केयर एंड बहुत सारा अल्लाह हाफिज़।